वाहिगुरु 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 धन्नवाहे गुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज गुरु नानक पग पंकज बंदन पग पंकज बंदन सिमरायं गद दोख निकंदन अमरदास गौर हिरदत आवा श्री गुरु रामदास गुण गावा गुर अर्जुन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक हर गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनावो बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला तरुण तरा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदम बार बार जगदीसा या मैं अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न बिनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न बिनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तब तेरी वो करै जीव का भोजन वसन सकल परवार निज करते हम दे तुहे कहो अर तेरो जाने उपकार तब तेरी वो करै जीव का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह चावर तखत शतर दे मालक बाणी दे बोहित नाम दे जहाज
वाली कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान परमेश्वर जी दा निज स्वरूप वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर न कोई बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सबायमान परम सन्मान योग गुरमुख प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों वड्याई दे पात्र हो आप जी जिन्हां ने संध्या वेले दे दीवाना दे अंदर सतगुरु जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरियां ने सो दर दे नित नेम तों बाद बड़े प्यार दे नाल आप जी ने अरबी बाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। उपरंत तत विचार यह मथुरा जगतारन कौ अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भन आयो। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहास दी चल रही लड़ीवार विचार दे अनुसार कल दे दीवान अंदर आप जी ने सरवण कीता है के पृथ्वी चांदी घरवाली करमो ओ फिर एक ऐसी औरत उसनु मिलती है जो कहती है कि तेरा ये जड़ा कार्ज है ये मैं करांगी। और इन्ने फिर उसनु आखिया सारी इन्ने वार्ता सुनाई कि साढ़े नाल होया धक्का होई है बेइनसाफी के गुर अर्जुन देव महाराज छोटे होने करके भी गुरियाई लै गए मेरा पति पृथ्वी चंद ये वड्डा ही वड्डा सी लेकिन फिर भी ये वांझा रह गया ये सानू मिलनी चाहिदी सी इस करके चलो असा ने सोचिया कि गुर अर्जुन देव महाराज उन्हां दे घरे संतान नहीं सबर करके बैठे सा कि जदों ओ अपने शरीर का चोला संकोच रहणगे ते फिर असीं गुरु बन जावांगे। पर हुण उन्हां दे ग्रह साहिबजादे ने जन्म लै लिया ते साडियां आसा उम्मीदां ते पाणी फिर गया है तेरी मदद की लोड़ है ये हुण गुरियाई सानू तां मिल सकती है कि जो साडे राह दा रोड़ा ये जो बालक जन्म लैके आया भी किसी ना किसी तरीके इनू खत्म किया जाए मुकाया जाए। फिर उन लालच भी दिता है कि तेनू असी बहुत सारा धन भी देवांगे तेनू बस्तर भी देंगे अन्न भी देंगे तेरे परिवार की जिम्मेवारी सारी असी जिहड़ी आ उह चकांगे जो तू मंगेंगे तेनू मिलेगा। बस बड़े सोहने तरीके दे नाल ये जड़ा साडे राह दा कंडा ये तू पासे कर दे ते किसे नूं पता भी ना चले। इस तरह प्यार ये लालच दे रही है करम पृथ्वी चंदी घर वाली उस औरत नूं। ओ पर औरत अगों की कहिंदी है अगे दी वार्ता नूं भाई साहिब भाई संतोख सिंह जी इस तरह लिखदे हन जी। तब तेरी वो करह जीव का भोजन सकल सकल परिवार कहन लगी वेख अगर तू ए साडा कार्ज कर देंगी मददगार बनेगी ते जितनी भी तेरे घर दी खर्ची है जिन्ना भी तेरे परिवार दा जीवन निर्वाह दा खर्चा वो सारा असी उठावांगे। भोजन बसन सकर परिवार तेरे सारे परिवार दे अन्न पानी दा प्रबंध उन्हां दे बस्तर बिस्तरियां दा प्रबंध जिन्ना भी तेरा खर्चा है टोटली तेरे घर दा
ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਹਮ ਦੇ ਤੁਹੇ ਕਹੋ ਹਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੇ ਆਦਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉ ਉਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਤ ਚਾਤੁਰਤਾ ਤੇ ਕਰਹਿ ਅਬੈ ਉਪਜੈ ਸੁਖਸਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਠੰਡ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਤ ਲਿਓ ਰਜਤਪਨ ਅਭਿਹੂ ਕਰੋ ਕਾਜ ਕੋ ਬਿਲਮ ਵਿਸਾਰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 100 ਸਿੱਕੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਹ 100 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਰਜਤਪਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਕਾਜ ਕੋ ਬਿਲਮ ਵਿਸਾਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 100 ਰਜਤਪਾਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹਮਰੋ ਹਿਤ ਲਖ ਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਿਮ ਕੈ ਬਸਤਰ ਆਪਣੋ ਲੇਕਰ ਦੀਨਸ ਤਿਸਕੇ ਉਪਰ ਡਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਤ ਸਨੇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨਤ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਬੂ ਪਰ ਦ੍ਰਿਗਬਾਰ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਨੇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਇਹ ਗੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਏ ਕਰੂਰ ਕਰਮਾ ਅਧ ਪਾਪਨ ਸੁਣ ਕਰ ਹਰ ਕੀ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪਣ ਦਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਐ ਕਰਮੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੋਹਿਤ ਅਰਚੋ ਕਪਟ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਚੀਨ। ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਰੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਤੋ ਹਿੱਤ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਚੋ ਕਪਟ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਪਟ ਰਚਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਫਰੇਬ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਛਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਮਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਹੈ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਪਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਸਭ ਸੁਧ ਲੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ।
इस करके जे तू साडी जिम्मेवारी चकी है तू सुखी ते असी सुखी बस तेरा काम ए बहुत जल्दी हो जावेगा जी। सो उठ गए कहा तिन साथ है लेन देन कुछ नाए नकीन। ते नाल ही ये कहिंदी है पी गुर अर्जुन दे महाराज ओ ता परिवार समेत इथों उठ के चले गए ने। जदों चले गए ने ते साडा हुण उन्हां दा की साथ है, साडा उन्हां नूं की लैण देण है, साडा उन्हां नाल हुण की सरोकार है, कोई संबंध ही नहीं। जदों चले गए ने असी किहड़ा हुण उन्हां दे नाल मिलना वरतना है जी। जित पाछत ए कारज मोको करियो मैं अब बिलम विसार। कहण लगी ए हुण जिहड़ा कारज है मेरे मन नूं चंगा लग्या। ओ पापण कह रही है, कहिंदी ए कारज मैनूं वी चंगा लग्या है, कर हूं मैं ये हूं मैं करांगी ते इनू देर भी नहीं लगेगी। बिलम तुम राजा के देर हूं इस नू ज्यादा समा नहीं लगेगा जी। चिंता रंचक हूं ना कीजै निश्चय लखो सुधारी कार। ते कहन लगी हूं तू चिंता रंचक मात्र भी नहीं करनी, राई दे दाने जिनी भी तू चिंता नहीं करनी, बस निश्चय रख भरोसा रख तेरा ये कार्ज होया ही होया। वो जड़ा बाल के बस ओनू थोड़े दिन दे विच ही मैं मुका देना है जी। मेरो द्रोह प्रथम ही तिन सो अपरताए को लीन हकार। कहन लगी मैं ते पहले ही गुरु अर्जुन देव जी ते बड़ी औखियां, मैनू ते पहले ही माता गंगा जी होना ते बड़ा क्रोध आ रहा है। क्यों? कहन लगी इस करके के जिस वेले साहिबजादे दे जन्म दा समा होया ते मैनू उन्हें बुलाया ही नहीं, दाई कोई होर बुला ली है। इहनू ए भी ईरखा जी, कह लगी मैनू उन्होंने बुलाया कोई नहीं है। मेरो द्रोह प्रथम ही तिन सो अपरताए को लीन हकार। उन्होंने होर दाई बुलाई मैनू छड़ के, मैं तो पहला बड़ी औखी हाँ, मैं तो पहले बड़ी नाराज हाँ, इत काम मैं जरूर करांगी जी। नहीं अवाहन मोको कीनस नै कुछ दीनस बोबरे यार। मैनू उन्होंने बुलाया ही नहीं, मैनू सुनिया ही नहीं भेजिया, मैनू उन्होंने सद्या ही कोई नहीं है, ते ना ही उन्होंने बालक दे जन्म ते मैनू कुछ दिता ही है जी। लगे सूल मुझ तिनके मंगल जिसत होए मा सुख मोहे। कहन लगी ए दाई भी आखदी आ पापण, कहिंदी उन्हां दे घर दीआं जिहड़ीआं खुशियां ने, उन्हां दे घर दे जिहड़े मंगल ने, ओह ते मैनू वी सूल दी तरह चुभदे पए ने, ओह मैनू वी चोभां पए मारदे ने, मैनू ही बड़ी ओ अंदरों तकलीफ दे रहे हन जी। पृथ्वी की बामा सब सुन के कह के साध साध बहुत ओहे। पृथ्वी चांदी घर वाली करमो जदों एदियां गल्लां सुनदी है ते सुन के खुश भी हुंदी है, ते नाल कहिंदी शाबाश शाबाश तेरे, तू बहुत सियाणप वाली है, ये कम तू ही कर सकती है जी। पायो भरोस लखी बुद्ध दीर्घ तुझ ही ते कारज सिद्ध होए। ओनू होर वड्याउण दे लई ये करमो कहिंदी है पायो भरोस, कहिंदी मैनू तेरे ते बड़ा भरोसा है, लखी बुद्ध दीर्घ मैं जान लिया के तू बहुत अकलमंद है, तू बहुत होशियार है, तू बड़ी बुद्धि वाली है, ये जिहड़ा कार्ज ये तेरे तो बिना होर कोई कर भी नहीं सकदा है जी। इस प्रकार निश्चय कर दोनों दुर्बुद्धा गण पाप अरोहे। इस तरह प्यार ये निश्चय करके दोनों मंदी बुद्ध वालियां जिन्हां दे सिर ते पाप जिहड़ा ओ पाप जिवें कि ना सिर चढ़ के बोलदा पिया, ये जिहड़ी पाप दियां भरियां पईयां ने, ये आपस विच इदां दी मसरत करके दोनों पापणा भैड़ी बुद्धि वालियां खोटी नीयत वालियां बहुत खुश होईयां हन जी। ले कुछ दर्ब सदन में आई रंगदार अंबर तन धार। प्यारियो ए फिर ए ओ धन लैके कुछ पैसे लैके ते अपने घरे आ गई है, घरे आण के ते ए पहुंची ए अपने घरे, रंगदार जिहड़ा वस्त्र उहने दित्ता उहने इहने फिर अपने बुकल मारी इहने उपर लै लिया है जी। रुचर भूखन पैरे रुचकर मुख पार पकार त्रिक अंजन डार। इहने फिर सोहने जिहड़े गहने ने ओह पहन लए ने, प्यारे ए चंगी तरह
अपने इन तैयारी कीती है जी। जहर जहर कर ले रगरे हो निज अस्तन जुग लेप उसधार। इन्हें फिर घर आन के की कीता कि जड़ा जहर सी ना वो जहर आन के रगड़िया जी। इन जहर तैयार करया है जी। दरब लोप ते चौप चौगनी आत सिस को मैं लियो इनाम। मन विच ना एदे लालच है लोभ ने प्यारे एदे अंदर बड़ा ना ये पाप करन दे लई होर उत्साह भर दिता लालच। क्योंकि जड़ा लालच है ना जिस इंसान दे अंदर ये लोभ ये लालच पैदा हो जाए ते सतगुरु दी बाणी अनुसार महाराज कहिंदे लालची दा कोई मां नहीं कोई प्यो नहीं कोई रिश्तेदार नहीं कोई भैण नहीं कोई भरा नहीं उहदा कोई सज्जन मित्र नहीं हुंदा लालची दा। जिस अंदर लालच पैदा हो जाए सतगुरु दी बाणी अनुसार उह ते हल्के कुत्ते वर्गा हो जांदा जी। साहिब दी बाणी दे बोल ने कि ज्यों कूकर हर घाया ताया दह दिस जाए लोभी जंत न जानी पाक अपाख सब खाए। जिस कुत्ते नु हलका हो जाए तो प्यारे आप जी जानदे हो वो जिहड़ा कुत्ता है ना एक तां वो प्यारे दौड़दा रहिंदा दौड़दा टिकदा नहीं है। दूसरा वो जिहड़ा हलकिया कुत्ता ना उहदे मुंह चों झग वगदी है जी। तीसरा ये भी कहिंदे ने जिहड़ा हलकिया कुत्ता ना वो पानी दे लागे नहीं जांदा। प्यारे वेखो सतगुरु ने कैसी उदाहरण दिती कि जिहड़ा लालची इंसान है वह भी हल्के कुत्ते वर्गा ही है। जिवें हल्किया कुत्ता एक थां ते टेके नहीं बिंदा दौड़दा रहिंदा है इसे तरह जिहड़ा लालची बंदा है ना उहनूं भी टिका नहीं जी। वह भी प्यार भटकदा फिरदा भज्जिया फिरदा टेके रोटी भी नहीं खाएगा। लालची कुत्ता प्यार एक उहदा यह है कि उहदे मुंह चों झग निकलदी है। जिहड़ा लालची व्यक्ति है प्यारे उहदे मुंह चों हर वेले माया दीआं गल्लां पैसे दीआं गल्लां धन दीआं गल्लां निकलणगीआं जायदाद दीआं गल्लां निकलणगीआं। तीसरा हलकिआ होइआ कुत्ता उह कहिंदे पाणी दे नेड़े नहीं जांदा ते जिस इंसान नूं लालच हो जाए उह बाणी दे नेड़े नहीं जांदा उह बाणी दे नेड़े नहीं जांदा लालची बंदा। हुण हलकिआ कुत्ता प्यार उहदा इदां दा हो जांदा जदों हलक हो जाए ते उहदा प्यार इन्ना वह गिर जांदा है कि जिहड़ा जिस मालिक ने उस कुत्ते नूं पालिया हुंदा है ना प्यारे दुध प्याल प्याल के वधिया पदार्थ खवा खवा के जदों कुत्ते नूं हलक हो जांदा है ते जिस मालिक ने पालिया हुंदा है उस अपने मालिक नूं भी वह कट खांदा है उहनूं भी वढ देंदा है। ते जदों लालची इंसान दी बिरती सारियां सीमा नूं पार कर जांदी है ते जिहड़ा लालची हलके कुत्ते वर्गा तां हलकिआ कुत्ता अपने मालिक नूं कट दिंदा है ते जिहड़ा लालची है उह अपने प्यो दा कतल कर दिंदा है अपने भरावां दा कतल कर दिंदा है अपने मित्रां दा कतल करन दा लालची। लालची दा कोई मित्र नहीं जी उहने भी डंग मार ही जाणा है उहने भी दंद ला ही देणे ने उहने कट खाणा है। तां ही सभ ने बाणी च कहा कि लोभी कावे साहो न कीचै जे का पार वसाए। महाराज कहिंदे लालची दा कदे भरोसा नहीं करना चाहीदा उहने प्यार ऐसी थां ते जाके तुहानूं दगा देना धोखा देना है ना जिथे तुहाडी सहायता करन वाला फिर होर कोई भी नहीं होवेगा। हुण इहदे अंदर लालच पैदा हो गया क्योंकि लालची लालची दा ना कोई मां ना प्यो ना भैण ना भरा ना रिश्तेदार ते जिहदे अंदर लालच पैदा हो जाए उहदा गुरु भी कोई नहीं है। वो गुरु नाल भी कपट करन लगा धोखा कमाउन लगा डरदा नहीं है जी लालची बंदा। हुण इहदे अंदर लालच बहुत पैदा हो गया दरब लोभ ते चौंक चौंकनी लालच वस होई इहदे अंदर इन्ना उत्साह पैदा हो गया सोचदी है हथ सिस को मैं लियों इनाम कि इस बालक नूं खत्म करांगी ते मैनूं बहुत इनाम मिल जाएगा। पर कमली ये नहीं जानती जिन्हों तू खत्म करन जाना है उन्हें तेन ही मार मुकाना है वो ते अटल है वो कदे मुकन वाला थोड़ी है उन्हें गुरु जोधा मालक बनना है वो गुरु पुत्र है तू उन्हें मुका सकनी है। वेखो कदे कोई मुका सकता प्यारियो वो ते उन्हें ते प्रता गुरु बनना है गुरु नानक की जोत ने उन्हें हिरदे अंदर टिकना है गुरु पुत्र ने गुरु साहब ज्यादा है वो तू उन्हें कितों मार लेंगी किवें मुका लेंगी। हाँ उन्होंने मुकाउणगी तू आप जरूर मुक जाएगी।
इस तरह जिवें गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन देव जी दे प्यारे ओ साहिबजादे ने उन्हां नूं कोई नहीं मुका सकदा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता ने कृपा कीती माता साहिब कौरां जिन्हां दा प्यारे जन्म दिहाड़ा आगम पर मना रहे हो। जदों फुरना बनिया कि महाराज कि जरे मैनू भी कोई मां कह के बुलाए मेरा भी कोई धी पुत्र होवे। धन गुरु कलगीधर पिता ने बड़ी कृपा की कहिंदे साहिब कौरां तेनू ऐसा पुत्र दियांगा जो रहिंदी दुनिया तक जुगो जुग अटल रहेगा। माता साहिब कौर जी संखेप विच मैं क्योंकि जरूरी है थोड़ी जी पंछी झात मारनी उन्हां दे जीवन संबंधी गल करनी क्योंकि पंथ की माता है जी वो खालसे की मां है। उन्हां दे ते जिन्ने गुण गाए जाण प्यारे उन्ने घट ने उन्ने थोड़े ने। माता साहिब देवां जी उन्हां दा जन्म हुंदा जी रोहतास ये जेलम जिला है पाकिस्तान दे विच 1681 दे विच। पिता दा नाम है इन्हां दे भाई रामा जी कई रावा जी भी लिखिया कई रामू जी भी लिखिया रामा जी इन्हां दे पिता जी दा नाम है रोहतास। रोहतास वो जगह है कि जिथे धन गुरु नानक महाराज जी ने अपने चरण पाए सा। इथे जिस वेले बाबा नानक जी काबल कंधार तो आ रहे ने ना जी सतगुरु जी दे इत्थे प्यार वाले सिख ने एक भाई भगतू जी उन्होंने बेनती की महाराज उस नगर पहुंचे तो संगतां बहुत कठियां हुई सतगुरु जी दे कोल दर्शन करन दे लई। गुरु महाराज जी ने निहाल किया उन्हें फिर संगतां ने बेनती की सतगुरु जी ये कृपा करोगे। महाराज कहिंदे दसो जी कहन लगे सतगुरु इत्थे ना पीण वास्ते ना सानू वधिया जल नहीं मिलता पिया चंगा पानी नहीं मिलता पिया मिठा तुसी कृपा करो तुसी समर्थ हो तुहाडे कोल ते इन्नी ताकत है कि जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावे महाराज करो कृपा कोई सानू मिठा जल मिल जाए। उत्थे बाबा नानक जी ने फिर कहिंदे ने उत्थे सिख नूं कहा पत्थर पिया सी महाराज कहिंदे ये पत्थर पासे कर। जिस वेले उन्हें पत्थर हटाया जी उतों निर्मल ते ठंडा मिठा जल एकदम चश्मे की तरह और निकलना शुरू होया। संगतां ने जल छकिया ते बड़ा मिठा जिथे गुरु नानक साहब ने कृपा की ना जी मेरे साहब ने इत्थे चोज किया इन्हां दी भावना नूं भाग लगाए उत्थे अज भी गुरुद्वारा बनया चोवा साहब वो गुरुद्वारा चोवा साहब रोहतास। और जो दर्शन किए जिन्होंने वह दसते ने कहिंदे अज भी जिहड़ियां उत्थों दीआं संगतां ने उसे चोवे का जिहड़ा जल उहदी वरतों करदीआं ने। बाबा नानक जी ने चरण पा के इस नगरी नूं पहलां भी नवाजिया होया ये गुरु की सिखी इत्थे पहलां भी है। भाई रामा जी ये भी प्यारे हो गुरु के सिख ने श्रद्धालु ने सेवक ने। 1681 ईस्वी नूं माता साहिब कौरां जी उन्हां दा जन्म हुंदा जी मां बाप ने नाम रख्या साहिब देवा जिवें इन्हां होश संभाली। ये भी बड़े धार्मिक बिरती वाली है ये बच्ची बाणी पढ़न लग पई जिवें थोड़ी सियाणी होई रब की याद अंदर जुड़न लग पई चौंकड़ा मैर के नेत्र बंद करके रब की इबादत करन लग पई। जदों इहदी भगती देखी इहदा सुभाअ देखिया इहदा इन्ना पवित्र जीवन देखिया जिवें जिवें वड्डी हुंदी गई ते ओ भाई रामा जी उन्हां दे मन अंदर फुरना बन गया कुदरती रब ने खेड वरताई जी उन्हां अंदर फुरना यह बनिया कि मेरी धी इन्हें पवित्र जीवन वाली है इन्नी रब की पै भावनी च रहन वाली आ ते जे किधरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन ते इहदे नाल किधरे इहनू अपने लड़ लगा लैण आनंद कारज हो जाए ते मेरियां कुल्लां तर जाणगियां भावना बनी जी। जो इहदी भावना बनी फुरना बनिया रोहतास दीआं जितनियां संगतां ने इन्हां ने अपनी भावना संगतां दे सामने इज़हार कर दित्ती कि मेरी आ भावना कि तुहाडा की ख्याल है। संगतां बड़ियां खुश होईआं कहिण लगीआं कि वाकिया ही इह जिहड़ी बच्ची इन्नी होणहार रब की बंदगी करन वाली पै भावनी च रहण वाली ते जे कलगीधर पिता जी दे लड़ लग जाए ते साडे सारे नगर दे इह ते वड्डे भाग ने यह बड़ी माण वाली गल है साढ़े नगर का सारे नगर का पार उतारा हो जाएगा जी ऐसा हो जाए। हुण प्यारे सारियां संगतां अदब दे नाल
साहब कौरां नूं बचपन तो ही कलगीधर पिता जी दे कोल आउण तो पहला ही माता जी कह के ते सन्मान करन लग पईआं। हुण जिस वेले चलदिआं चलदिआं सन आया 1700, रोहतास पोठोहार दीआं सारीआं संगतां तैयार होईआं श्री आनंदपुर साहब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन दीदार करन दे लई आउण वास्ते तैयारी कीती जी। भाई रामा जी परिवार समेत वह भी तैयार होए, अपनी धी नूं भी उन्हां तैयार कर लिया। एक इन्हां दा बेटा सी उहदा नाम सी साहिब चंद, वह भी नाल है। इन्हां इहनूं अपने संकल्प ते अपने फुरने ते भरोसा कि असीं जाके बेनती करांगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बेनती प्रवान कर लेनी है ते मैं अपनी धी दा आनंद कारज उत्ते सतगुरु जी नाल करवा देना है। इस करके अपनी धी दे लई इह विआह वाली जिहड़ी पोशाक हुंदी है ना जी, वह भी ये नाल तैयार करके ते लैके तुरिया जी। चलो आनंदपुर साहब पहुंच गए सन 1700 दे विच। बेनती करा कि ये माता साहिब कौर जी दे आउण तों पहला खालसा पंथ की सिरजना हो चुकी है, क्योंकि यह सिरजना हुई है 1699 ईस्वी दे विच। माता साहिब कौर जी पहुंचते हैं सन 1700 दे विच, ये तुसीं तवारीख दीआं थीकां देख सकते हो। जदों खंडे बाटे की पोह तैयार होंदी है, खालसा पंथ साजिया जांदा है, ते जिहड़े पतासे पाए ने पतासे माता जीतो जी ने पाए ने। लेकिन खालसा साजना तो बाद माता साहिब देवां दे पहुंचों तो पहला आनंदपुर माता जीतो जी अकाल चलाना कर चुके सन, वह चढ़ाई कर चुके हैं। उन्हां दा आनंदपुर साहिब अस्थान है जी गांवपुरा, अपने दर्शन किते होणगे जिथे माता जीतो जी का प्यार उत्ते पावन शरीर का दाह संस्कार किया गया, उत्थे यादगार है। 1700 दे विच जदों प्यारे और रस्ताह दीआं संगतां सारियां आईआं आनंदपुर साहिब पहुंचियां, हुण रोहतास दे नगर का एक सतगुरां का दीवान सी उहदा नाम सी भाई भगवान सिंह। हुण वेखो कुदरती है, मान लो कि आप हम इतने किधरे जाने किसी वड्डी जगह पर जाने, श्री अमृतसर जब जाइए आनंदपुर साहब जाइए जां श्री फतेहगढ़ साहब आप जाने, तो साढ़े पिंड का साढ़े नगर का कोई उत्थे मैनेजर लगा हो इंचार्ज लगा हो सन होंदा ही है ना कि कोई नहीं अपने नगर का मैनेजर है आप जाके मिलांगे, कोई लोड़ होगी तो आप गल करांगे, होंदा ही है ना जी माण। इस तरह हुण जदों ये संगतां उत्ते पहुंचियां रोहतास तों चल के श्री आनंदपुर साहब, तो हुण जो मन च फुरना सी सोचिया कि चलो साढ़े नगर का भगवान सिंह जी इत्थे सेवा करदे ने दीवाल ने, आपां उहनां नाल भी गल करने आ, थोड़ी सिफारिश हो जाएगी साढ़े वल बेनती लगा देणगे। भाई मनी सिंह जी नाल भी इहनां जाके गल कीती, इत्थों तक माता गुजरी जी नूं जाके नाल बेनती कीती, महाराज माता जी आह साडी भावना है, असीं अरदास कर चुके हाँ। चलो जी संखेप विच अर्ज करां कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दीवान सजिया, संगतां बैठियां होईयां ने, ते भाई रामा जी वल्लों भाई मनी सिंह जी भाई भगवान सिंह जी उन्हां ने बेनती कीती, सतगुरु जी आ संगतां रोहतास तों चल के आईयां ने, सारे नगर दीआं संगतां ने, ते महाराज एक बेनती करनी चाहुंदियां ने जे तुसीं प्रवान कर लो। महाराज ने दसो ये कि गल है की चाहिए इन्हां नूं, वह कहिंदे महाराज इन्हां नूं चाहिए कुछ नहीं, ये सतगुरु जी तुहानूं कुछ अर्पण करन वास्ते आए ने, भावना उन्हां दी। महाराज कहिंदे की मतलब मैं समझिया नहीं। साहब जी नूं बेनती कीती सतगुरु भी इन्हां दे नाल एक भाई रामा जी आए ने, उन्हां दी बच्ची है साहिब देवा, वह बचपन दे विच वह उत्थे अरदास कर बैठे ने, प्रण कर बैठे ने, इवें कह लिए कि वह संकल्प कर बैठे ने कि वह अपनी बच्ची नूं तुहाडे लड़ लगाउणा चाहुंदे ने जे तुसीं उन्हां दी बेनती प्रवान करो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज एकदम साहिब जी कहिंदे बिल्कुल नहीं, साहिब ने इनकार किया। हजूर कहन लगे कि जिस दिन तों खालसा पंथ की सिरजना कर दिती है, महाराज कहिंदे असां ने बिल्कुल ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, प्रण किया, प्रतिज्ञा असीं तोड़ना नहीं है। जदों प्यारे इनकार कीती एकदम संगतां उदास हो गईआं,
फिर प्यारे भाई रामा जी ओठे गल च पला पाया, कहिंदे सतगुरु जी बेनती यह है कि जे तुसा ने मेरी धी का डोला इनू अपने लड़ ना लगाया ते सच्ची महाराज मेरी धी कुवारी रह जाएगी, इस नाल किसी ने आनंद कार्ज करवाउणा ही नहीं। महाराज कहिंदे ओह क्यों? कहिंदे महाराज बचपन तो जदों तो मन अंदर संकल्प बना बैठे हाँ, संगतां नूं जदों मैं बेनती कीती ते मेरी धी नूं सारियां संगतां उस दिन तो माता जी कह के सत्कार दिंदियां ने, इस करके इन्हां नाल आनंद कार्ज कौन करेगा। महाराज थोड़ी देर लई चुप हो गए। हुण एक पासे पुराने प्रतगे आए, दूसरे पासे सारियां संगतां दी अरदास बेनती भावना। महाराज कहिंदे भी हुण दूसरी बात प्यारिओ साहिब देवा जी हुण उन्हां ने कलगीधर पिता दे लड़ लगना, खालसे दी माता बनना है ते पता नहीं पूर्वले जन्मां दी किन्नी कु उन्हां दी भगती होवेगी जी, इन्ना वड्डा माण उन्हां नूं मिलना है। कर सतगुरु जी थोड़ी चुप तों बाद महाराज कहिंदे भी गल इहदा प्रण तां जिहड़ा कीता असीं निभाउणा है, जे तुसीं हुण सोचदे हो कि तुहाडी भावना ठेस ना लगे। महाराज कहिंदे लड़ तां लगावांगे पर इन्ना कोई चेतर को कुवारा डोला बन के रहणगे। जदों इन्नी गल कही ते साहिब देवा कहिंदी मैनूं परवाना, मैं चरणां दी सेवा करनी है बस। सारा परिवार सारी संगत खुश हो गई जी। वह कहिंदे ठीक है महाराज। धन गुरु कलगीधर पिता जी दे नाल साहिब देवा ने महाराज ने यह भी गल कही, कहिंदे इह लड़ तां लगावांगे ते पहला सारा परिवार खंडे बाटे की पौड़ ले अमृत छके। पहला नाम साहिब देवा सी, सारे परिवार ने खंडे बाटे की पौड़ ली अमृत छकिया, फिर प्यारे साहिब देवा तो यह साहिब कौर बने। इन्हां दे भरा सी साहिब चंद, वह फिर साहिब चंद तो साहिब सिंह बने। सारे परिवार ने अमृत पान किया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल आनंद कारज होया जी। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਧੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੁਹਾਗੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ
ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ, ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਕੁਝ ਉਪਰਾਮ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋਗੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁੱਤ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਦ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਰਮਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਰਸੀ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸਾਜਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਹਾਜੇ ਚੜੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
मना रहे हो, इस करके उन्हां दी बात पौनी जरूरी सी। सो आप संगतां नूं माता साहिब कौरां दे जन्म दिन दियां बहुत बहुत वधाइयां होवण जी। समा हो गया इन्हीं सेवा प्रवान करनी। साध संगत जीओ बेनती है कि तन श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी का कोटान कोट शुक्र है जिन्होंने तरस करके लगभग 5 हफ्ते इत्थे अपनी चरणों की सेवा का मौका दिता। आप संगतां दे दर्शन दीदार बख्शे ने, सतगुरां दा शुक्र है जी। और बड़ी इज्जत पाती मेरे साहब ने रखी है, आप संगतां दा बहुत धन्यवाद। जिहड़े इत्थे भी आउंदे रहे बड़ियां सीसां दित्तियां आप जी ने, ते जिहड़े घरां च बैठे टीवी ते भी सुणदे रहे जी, उहनां वल्लों भी बहुत असीसां मिलियां। अरदास करियो कि कथा करन दी जाच आ जाए। समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का बड़ा धन्यवाद है जिन्हां ने इत्थे सेवा का मौका दिता। सरदार दलजीत सिंह जी, गुरु घर के मैनेजर साहबान गुरबचन सिंह जी, भजन सिंह जी, बड़े प्यार वाले ने। इस तरह गुरु घर का सारा स्टाफ, गुरु घर के ग्रंथी साहबान गुरु के वजीर भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी और भाई बलराज सिंह जी, बड़े प्यार वाले ते बड़ी भावना दे नाल गुरु घर की सेवा निभाउंदे ने। सारे रागी जथे सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेवा दौरान प्यारे सेवा करदियां उठदियां बैठदियां, क्योंकि गुरबाणी अगाध बोध है, इतिहास भी अथाह समुंदर है, विचारां करदियां बेअंत होईयां भुल्लां दसदियां जाण के दस दी झोली पा देणियां, बचन गुरु का जाण के अपने हिरदियां च वसाउणा, फिर किते सबब बणिया गुरु कृपा करेगा, दाणी पाणी होया ते आप संगतां दे दर्शन करांगे जी। इन्नी सेवा प्रवान करनी, होईयां भुल्लां माफ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।